गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं एडवोकेट शांतनु अयाची आज आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं ऑनलाइन लीगल हेल्प चैनल को, जिसमें आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो सबसे कॉमन है, डाइवोर्स। और डाइवोर्स का नाम सुनते ही बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है, बहुत असमंजस की स्थिति में हम आ जाते हैं कि अगर हमने शादी करी है तो शादी रजिस्टर्ड भी करी है, लेकिन जब डाइवोर्स की बात आती है तो एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि हम किस लॉ के तहत किस प्रोविजन में गवर्न होंगे, किस प्रोविजंस के अंडर में हम आएंगे, किसके तहत हम अपना केस फाइल करेंगे। तो ये चीज़ जो देखने को मिलती है आज इसी वीडियो में, मैं ये चीज़ आपके सामने क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे सबसे कॉमन चीज़ है हिंदू की, अगर आप हिंदू हैं और आपकी शादी हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर में हुई है तो आप हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत गवर्न होंगे। जो कि बात अगर मुस्लिम्स की करते हैं तो मुस्लिम के लिए एक सेपरेट कानून का प्रावधान है जिसे हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939। पारसीज के लिए ये चीज़ सेपरेट है, पारसीज के लिए एक सेपरेट एक्ट बना है जिसको कहते हैं पारसीज मैरिज डाइवोर्स एक्ट 1936। और अगर आप क्रिश्चियन हैं तो क्रिश्चियन के लिए एक सेपरेट प्रावधान है जिसे हम कहते हैं इंडियन डाइवोर्स एक्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपकी शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हुई है, स्पेशल प्रावधानों के तहत हुई है, तो उसके लिए एक सेपरेट एक्ट बना है जिसे हम बोलते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट, जो कि गवर्न होता है 1954 के लॉस के द्वारा। तो दोस्तों, आज ये एक छोटा सा वीडियो आपके लिए बनाया गया था एक छोटी सी जानकारी देने के लिए। आप इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए, लिंक में हमारा नाम और नंबर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।